अगेन वेलकम टू चैनल तो आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ फेस्टिवल सीजन के लिए कलेक्शन यानी कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है फेस्टिव वियर चाहिए होते हैं तो उस अकॉर्डिंग मैं आपके साथ लेके आई हूँ मिंत्रा से कुछ एथनिक स्कर्ट और क्रॉप टॉपर कलेक्शन काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन है एंड इस कलेक्शन की काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी कुछ मिट्स एंड मैच करके बताइए फेस्टिव सीजन के लिए कुछ यूनिक कलेक्शन होने वाला है और इस फेस्टिव सीज़न में अगर आप वियर करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हो क्योंकि अभी आ रही है दुर्गा पूजा दिवाली और काफ़ी सारे फेस्टिवल ओकेज़न किसी में भी आप ट्राई कर सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा और आपको बाय कैसे करना है तो बाय करने के लिए आपको माय हॉल स्टोर के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जस्ट आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड देन आप वहाँ से वहाँ पर आपको सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी जितने भी मैं आज आपके साथ आउटफिट शेयर कर रही हूँ उनकी सारी पिक्चर्स निकल के एक ही स्टोर में आ जाएगी इससे आपके लिए शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और अब बस आपको उन पिक्चर्स पर क्लिक करना है और आप डायरेक्ट

इंडस की और अभी भी मुझे इंडस कलर प्रिंट काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं तो जितने भी ट्रॉप टॉप स्कर्ट शेयर कर रही हूँ मोस्टली इंडस से हैं एक दो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मैंने ट्राई किया है इंडस से लेने का क्योंकि इंडस की क्वालिटी ऑफ प्रिंट बहुत अच्छे होते हैं ये ये जो कलर है टील कलर टील ब्लू कलर मुझे बहुत पेटे लगता है ये वाला कलर एंड इसका आप डिजाइन देखो एक बार पूरे पे गोल्डन प्रिंट किया हुआ है ये पूरा गोल्डन प्रिंट है और ये पूरी स्कर्ट जो है सिल्क ब्लैंड फैब्रिक में है तो पूरा ऐसा शाइनी मटेरियल है एकदम और ये टील कलर है इसमें ब्लू ब्लू दिख रहा होगा लेकिन जो पिक्चर में दिख रहा है ना वीडियो में उससे बिल्कुल डिफरेंट कलर है ये वाला मैं ट्राई करूँगी यहाँ पर वीडियो लगवाने की जिससे आपको पता चल जाए ये एग्जैक्ट कैसा कलर है ये वाला तो टील ब्लू कलर में है और ये स्कर्ट कुछ इस तरीके की मिलने वाली है पूरी सिल्क ब्लैंड फैब्रिक में है एंड आप इसका आ, फ्लेयर देखो स्कर्ट का नीचे की साइड इन्होंने इसमें पिको किया हुआ है एंड पूरी स्कर्ट का फ्लेयर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा लाइक like, इतना ज़्यादा है मैं शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ बहुत ही फ्लेयरी स्कर्ट है ये वाली एंड इसमें जो मैंने साइज परचेस किया है वेस्ट साइज़ 32 नंबर परचेस किया है शायद 28 से और एक्सल डबल एक्सल तक का साइज अवेलेबल है अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट करना यहाँ पे इन्होंने जिप दिया हुआ है क्लोज करने के लिए साइड में हुक दिया हुआ है और जिप दिया हुआ है एंड नीचे की साइड इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा निकल के आता है इस तरीके की स्कर्ट मिलेगी एंड गायज ये वाले इस फेस्टिवल सीजन में अगर आप कुछ डेफिनेटली नया ट्राई करना चाहते हो इस तरीके की स्कर्ट्स ट्राई कर सकते हो काफ़ी क्लासी लुक आता है एंड बहुत अच्छी लगती है वियर करने के बाद और इसमें जो है है अंदर इन्होंने लाइनिंग लाइनिंग दी हुई है, पूरे में आपको की लाइनिंग मिल जाएगी एंड प्राइस आपको सभी की मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी मुझे याद नहीं है तो आप जरूर से वहाँ पर चेकआउट कर लेना एक बार स्क्रीन पर तो इस तरीके की कुछ ये वाली फर्स्ट स्कर्ट मिलेगी और ये ऑनली ड्राई लिंक के लिए स्कर्ट है आप इसे घर में मशीन में वॉश नहीं कर सकते नहीं तो ये बिल्कुल खराब हो जाएगी अब मैंने इस स्कर्ट को मिक्स एंड मैच किया एक टॉप के साथ वैसे तो इसमें जो है पिंक कलर का टॉप भी अच्छा लगेगा जो रानी वाला कलर आता है अगर आप उसके साथ मिक्स एंड मैच करके पहनेंगे तो भी ब्यूटीफुल लगेगा मैंने दोनों परचेस किए हैं और आप अलग अलग लुक से ट्राई कर सकते हैं आपको जो पसंद हो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते उन दोनों में से दोनों में से जो आपको कलर अच्छा लगे आप वो परचेज़ कर लेना तो मैंने इसके साथ परचेज़ किया ये वाला क्रॉप टॉप क्योंकि वो वाला कलर टील कलर है तो थोड़ा ब्राइट कलर निकल के आ रहा है तो ये वाला कुछ क्रॉप टॉप इंडस ब्रांड से है एंड पूरा ये एम्ब्रॉयडर्ड और सिक्वेंस का क्रॉप टॉप है एंड आप इसका एक बार फिनिशिंग देखो इस क्रॉप टॉप के पास से कितना ब्यूटीफुल कितनी ब्यूटीफुल फिनिशिंग है इस पर पूरे पर ये एम्ब्रॉयडरी की रही है और पीछे की साइड भी सेम एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी और सिक्वेंस लगवाए हुए हैं इसकी जो नेक है कुछ इस तरीके की मिलेगी स्लीवलेस क्रॉप टॉप है एंड साइड में इन्होंने चेन दिया हुआ है क्लोज करने के लिए इसमें जो मैंने साइज़ परचेज किया है वो है स्मॉल इसमें भी आपको एक्सेल डबल एक्सेल तक के साइज़ मिल जाएंगे मिंत्रा पे अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज करना और फैब्रिक की बात करती हूँ पूरा सिल्क में फैब्रिक है ये वाला भी तो so डेफ़िनेटली आप इसे घर में वॉश नहीं कर सकते हो मशीन वॉश नहीं कर सकते हो आपको इसे ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा एंड रियली really, अगर आप फंक्शंस वगैरह में या फिर इस ऑकेजन में दिवाली पे दुर्गा पूजा में ट्राई करते हैं बहुत ही अमेजिंग लुक आने वाला है इस वाले क्रॉप टॉप का। काट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ऑरेंज कलर में स्कर्ट है एंड यह ब्रांड इंडस से सेम ब्रांड है और बहुत ही अमेजिंग स्कर्ट है बिल्कुल प्लेन स्कर्ट मिलेगी लेकिन इसमें नीचे की साइड आप डिज़ाइन देखो इस स्कर्ट का पूरा ऐसे फ्लेयर मतलब ये रफल वाला डिज़ाइन दिया हुआ है एंड यहाँ पे गोटे की डिटेलिंग की गई है नीचे नीचे वाले पार्ट पे देखो कुछ इस तरीके की फ्लेयर स्कर्ट मिल जाएगी काफ़ी अच्छा खासा फ्लेयर है इस स्कर्ट में फैब्रिक की बात करती हूँ पूरे चंदेरी कॉटन में ये वाली स्कर्ट मिलेगी अब पूरी प्लेन स्कर्ट है लेकिन इसका लुक बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएगा वियर करने के बाद क्योंकि प्लेन है तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना होगा जो आप क्रॉप टॉप वियर करें वो प्रिंटेड हो उसमें कुछ भी प्रिंट हो एम्ब्रॉयडरी हो कुछ भी हो क्योंकि दोनों अगर आप प्लेन पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा अंदर की साइड इसमें ऑरेंज कलर की पूरे में कॉटन की लाइनिंग दी हुई है काफ़ी अमेजिंग लुक आएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा है अगर आप किसी फंक्शन वगैरह में दिवाली दुर्गा पूजा में परचेज़ करना चाहते हो तो कलर भी काफ़ी अच्छा है तो डेफ़िनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो अलग अलग तरह की स्कर्ट्स मतलब अलग अलग क्रॉप टॉप के साथ कलर्स जैसे वाइट भी ट्राई कर सकते हो वाइट अच्छा लगेगा क्रीम अच्छा लगेगा एंड इस पर ब्लैक कलर अच्छा लगेगा तो अपने अकॉर्डिंग देख के ट्राई कर सकते हो मैंने इसको पेयरअप किया है ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप के साथ आपको क्रॉप टॉप बताती हूँ मैं इसका तो राइस कुछ इस तरीके के क्रॉपटॉप के साथ मैंने इसको मिक्स एंड मैच किया है ये भी ब्रांड इंडस से है क्रॉपटॉप एंड काफ़ी क्रॉप क्रॉपटॉप है ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप है एंड पूरे पे ये वाले ये जो है ये पूरे पे गोल्डन प्रिंट किया हुआ है प्रिंट किया गोल्डन वाले ये जो है डॉट डॉट डॉट्स लगाए हुए हैं बट इसकी जो स्लीव्स है वो फ्लेयर स्लीव्स हैं तो बहुत ही अमेजिंग क्रॉप टॉप है ये वाला एंड इसका जो डिज़ाइन है पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है स्लीव्स का और स्लीव्स पे इस तरीके के इन्होंने ये वाले सिकवेंस लगवाए हुए हैं इसकी लेस है गोल्डन गोल्डन सीक्वेंस की जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है दोनों की साइड आपको ये मिल जाएगी एंड राउंड नेक मिल जाएगी क्लोज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे जिप दी हुई है इसमें भी जो मैंने साइज परचेज किया है वो है स्मॉल इसमें भी आपको एक्सल uh, और डबल एक्सएल तक का साइज मिंत्रा पे मिल जाएगा आप देख के परचेज कर सकते हो तो जो लास्ट स्कर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही सी प्रिंटेड ग्रीन कलर की स्कर्ट है एंड ये है ब्रांड वरंगा से वरंगा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है मैंने एक दो बार कुर्ते ट्राई किए हुए हैं काफी अच्छे आते हैं एंड इसका जो प्रिंट है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रिंट है पूरी जो है ऐसे कॉटन में स्कर्ट मिल जाएगी एंड इसमें कलर ऑप्शन एक दो और अवेलेबल है मिंत्रा पे तो आप देख के परचेज कर सकते हो पर मुझे ये ग्रीन वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है ग्रीन के साथ इस ब्लू का कॉम्बिनेशन रियली बहुत प्रिटी लग रहा है और ये स्कर्ट है ना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है यहाँ पर आपको टाइट करने के लिए इसमें इस तरीके से नाड़ा दिया हुआ है इलास्टिक वाली स्कर्ट है यहाँ पर आपको क्लोज करने के लिए कोई भी चैन हुक्स वगैरह नहीं दिए हुए हैं और इसमें भी मैंने जो साइज़ परचेज किया है वो है थर्टी टू आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज़ कर सकते हैं ट्वेंटी एट से शायद फोर्टी टू फोर्टी फोर तक के साइज़ अवेलेबल हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट करना एंड पूरी जो है आप प्रिंट देखो कितना ज़्यादा प्रटी है फ्लेयर भी इसमें काफ़ी अच्छा है स्कर्ट में बहुत ही प्रटी लगती है इस तरीके की सिंपल स्कर्ट तो अब ये स्कर्ट जो सिंपल है तो मैंने इसे पेयर अप किया कुछ अच्छे से डिज़ाइनर क्रॉप टॉप के साथ तो डिज़ाइनर क्रॉप टॉप के लिए मैंने ट्राई किया ये वाला क्रॉप टॉप ये एक पैपलम क्रॉप टॉप है एंड आप इसका डिजाइन देखो बहुत ही ज्यादा यूनिक है पूरे ये वाला जो क्रॉपटॉप है एम्ब्रॉयडरी है इस पे पूरे क्रॉपटॉप पे और जरी का काम किया गया है पूरे क्रॉपटॉप पे एंड पैपलम क्रॉपटॉप है ये वाला एक आपको वीडियो में अच्छे से दिख हो रहा होगा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है तो ये जो स्कर्ट है ये प्लेन है तो इसे इस तरीके के डिज़ाइनर क्रॉप टॉप के साथ पेयरअप किया है एंड स्ट्रैप मिल जाएंगे यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टाइट वग़ैरह कर सकते हो स्मॉल साइज़ परचेज किया है मैंने पीछे की साइड इन्होंने बैट में इलास्टिक दिया हुआ है जिससे क्रॉप टॉप आपकी काफ़ी अच्छी शेप में आएगा एंड बहुत ही ब्यूटिफुल सा क्रॉप टॉप है ये वाला फैब्रिक की बात करती हूँ ये वाला सिल्क में ही फैब्रिक है इस्ट्रॉबरी एंड अंदर की साइड इसमें जो है इनर लगवाया हुआ है पूरे कॉटन का क्वार्ट। और पूरा ये डिज़ाइनर क्रॉप टॉप है आप इसे घर में वॉश नहीं कर सकते हो ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी इस क्रॉप टॉप की एंड ये वाला जो क्रॉप टॉप है इस वाली स्कर्ट के साथ पेयर अप करने पे बहुत ही अमेजिंग लुक देगा तो गाइज़ आई होप आपको आज का मेरा जो है ये क्रॉप टॉप वाला कलेक्शन और ये स्कर्ट वाला कलेक्शन पसंद आया होगा और इस तरीके की मिक्स एंड मैच की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूंगी आपके साथ शेयर करने का तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग